निजी स्कूलों से संबंधित फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज अंबाला में पत्रकार वार्ता कर हरियाणा सरकार को चेतावनी दी कि सरकार अगर निजी स्कूलों की मांगे नहीं मानेगी तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस दौरान स्कूल एसोसिएशन ने ऐसे स्कूलों को भी चेतावनी दी जो बच्चों से बसें न चलने के दौरान पैसे की मांग कर रहे हैं। वहीं नीसा ने आज निजी स्कूलों के टीचरों के कोरोना टेस्ट की फीस लेने के फैसले को भी वापस लेने की सरकार से मांग की है। अंबाला में आज निजी स्कूल से संबंधित फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता की और अपनी मांगों को मीडिया के समक्ष रखा। नीसा के राष्ट्रीय प्रधान कुलभूषण शर्मा ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि उन्होंने सरकार के सम्मुख तीन मांगे रखी हैं। उनकी मांगों में सबसे पहला स्कूल संचालकों की आर्थिक बदहाली का हवाला देकर नीसा के अध्यक्ष ने बताया कि आज स्कूलों की हालत सही नहीं है। ऐसे में अगर स्कूल अपने टीचरों को 1600 रुपए में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे तो ये उन पर आर्थिक बोझ डालने जैसा होगा। वहीं स्कूल बंद है लेकिन एवरेज बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। नीसा ने मांग की बिजली के बिल एवरेज न भेजकर एक्चुअल भेजे जाएं। वहीं नीसा ने सरकार से यह भी मांग की बसों सहित अन्य लोन की किस्त मार्च तक स्थगित की जाए। देखिए, सरकार स्कूल शुरू करने जा रही है, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आर्थिक स्थिति स्कूल संचालकों की बहुत ही विकट है। और ऐसे में अगर प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को कहा जाए कि कोरोना टेस्ट को वो पैसे देकर करवाएं, ये बिल्कुल असंभव होगा और भेदभावपूर्ण भी होगा। तो हमारा स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील है कि जिस प्रकार आगे भी आपने जो है प्राइवेट स्कूलों को एक समान समझा है, तो इस पे भी इनके लिए जो है आप रियायत राहत दें। और दूसरा, जो बिजली के बिल हैं वो हमारे से एक्चुअल लिए जाए, ना कि एवरेज। बहुत बड़े बड़े बिल हमें भेजे जा रहे हैं, ऐसे में हम स्कूल नहीं खोल पाएंगे। तीसरा, जो बसों की किस्तें हैं मॉरिटोरियम और अन्य लोनों की किस्तें हैं जो सितंबर से शुरू हो रही हैं, इनको मार्च तक स्थगित किया जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति प्राइवेट स्कूलों की बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऐसे में इन पर आर्थिक बोझ डाला गया तो ये चरमराकर गिर जाएंगे और सुचारू रूप से शिक्षा नहीं दे पाएंगे। देखिए, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 10-15 दिन के अंदर अपनी रणनीति बनाकर हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा, भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ा। तो हम निदेशालय के बाहर भूख हड़ताल भी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे ताकि अपने स्कूलों के अस्तित्व को और अपने शिक्षकों के अस्तित्व को हम बचा सकें। उनके खिलाफ क्या कुछ करेगी एसोसिएशन, क्या करेगी? देखिए, अगर कोई बसें बिना चले हुए बसों के पैसे मांग रहा है वो गलत है। हमारा कोई साथी इस तरह के बसों के पैसे नहीं मांग रहा। अगर कोई कर रहा है उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी, एसोसिएशन जिम्मेदार नहीं होगी। एसोसिएशन से बाहर का रास्ता दिखाएंगे ऐसे स्कूल्स को? देखो, बाहर का रास्ता दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उस पर कोई कार्रवाई होती है तो एसोसिएशन उसका साथ नहीं देगी।